लगी है, मैं खाना चाहती हूँ। क्या कोई खाना चाहता है? सैफ हमेशा बचाव के लिए तैयार है। मैं आ रही हूँ। कोई भी मेरी पोती को अपनी दादी की तरह स्वादिष्ट नहीं खिलाएगा। मैं आ रही हूँ मेरी पोती। बहन क्या तुम भूखी हो? मैं तुम्हें बचा लूंगा। मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ स्वादिष्ट चाहिए। चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए, फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए, देखो। कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज। मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों ना करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, यह बहुत अच्छा है। ओह छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई तुम अच्छा कर रहे हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा। सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप्ड क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो यह कितना खूबसूरत लग रहा है, और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है, लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं भी सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सैल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले, और हमें सोय सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो, ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा।
ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है, मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। पाराम, देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओ वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे ये पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। अच्छी। ओह, तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। Let's go! अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वाफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है, तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, यह अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओ, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छे चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब यह बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी, जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह भाई, तुम्हारा वाफल बहुत ओवरकुक्ड है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। और इन वाफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वाफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है, आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैपचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा
फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डाल लूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। ताड़ाम। अंत में व्हिप क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज यह कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार, मैं बहुत खुश हूँ। यह खुलता कैसे है? मुझे पास्ता चाहिए, इसे मेरे लिए तैयार करो। यह उबलता पानी है, तो मैं जल्दी से यह सबसे स्वादिष्ट पास्ता तैयार करूंगी। यह लगभग तैयार है, मैं बस इसे उबाल लूंगी। मेरे पास यहाँ क्या है? हाँ, शायद यह गर्म है। थिंग, इधर आओ और अब तुम मुझे यह पता लगाने में मदद करोगे कि पानी उबल गया है या नहीं। हाँ, धन्यवाद, मैं देख पा रही हूँ यह उबल गया है। थिंग, तुम शायद जल गए हो। नहीं, यह बहुत गर्म था, तो पानी तैयार है। तुम क्या करोगी? मैं शायद पास्ता खुद बनाऊंगी। ओह, मैं आटे में ढकी हुई हूँ, लेकिन यह ठीक है, यह थोड़ा मजेदार भी है। यह बेहतर है। मैं आटे को एक बोर्ड पर रखूंगी और एक असली अपने हाथों से बना पास्ता बनाऊंगी। अंडा, नमक डालना जरूरी है। अब मैं यह आटा गूंदने जा रही हूँ। यह आसान नहीं है बेशक, लेकिन यह बहुत स्वादिष्ट होगा। मेरे पास सबसे अलग सा पास्ता होगा। मैं छोटे छोटे टुकड़े बनाऊंगी और निश्चित रूप से मैं पेंट जोड़ूंगी। हाँ, बस हो गया। मेरे पास इंद्रधनुष के सभी रंगों में पास्ता होगा, सबसे सुंदर पास्ता। अब मैं एक टुकड़ा बनाऊंगी। मेरे पास ये कई होंगे और अब मैं उन्हें छोटे टुकड़ों में काट दूंगी और निश्चित रूप से एक ग्रेटर का इस्तेमाल भी करूंगी। यह उन्हें आकार देगा। तो अब पास्ता पैन में जाता है। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें चीजें बनाना बहुत पसंद है, तुम बहुत स्मार्ट हो। तो मेरा पास्ता लगभग तैयार है, फिर हमें शायद केचप डालना होगा। ओह, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, मेरा चश्मा। क्या यह केचप है या नहीं? हमें और अधिक निचोड़ने की जरूरत है। दादी, लाओ मैं आपकी मदद करती हूँ, हमें इसे खोलना होगा। पकड़ो। ओह, मुझे लगता है कि मैं पूरे केचप से ढक गई हूँ। हाँ, यह निश्चित रूप से केचप ही है, लेकिन यह मजेदार है। हमें और सावधान रहना होगा। हंसो मत, मैंने अपना पास्ता बनाया, यह इस तरह से बहुत बढ़िया है।
यह तैयार हो चुका है। अब प्लेट में। यहाँ स्पष्ट रूप से कुछ गायब है। हिंग, मेरे लिए लाओ। अब हम इस पास्ता को और खूबसूरत बना देंगे। कटल फिश इंक, मुझे यही चाहिए। काले ने पहले कभी नुकसान नहीं पहुँचाई। मैं अपने पास्ता में इसे मिलाऊंगी। वाह, कितना काला सुंदर पास्ता। बस ऐसा ही चाहिए। केवल एक चीज की कमी है जो लाल है। कैचअप मिलाती हूँ। मैं इसे ऊपर से डालूंगी। यह बहुत सुंदर है, लेकिन यह गमी आइस के साथ और भी बेहतर होगा। हाँ, यह क्या है? यह हमेशा की तरह तुमने क्या किया? और मैंने ऐसा इंद्रधनुष पास्ता तैयार किया है। मैं तुरंत इसे खाना चाहती हूँ। चखो। यह अजीब सी कैसी डिश है? मुझे इसे ट्राई करना है, लेकिन मैं इसे खाना नहीं चाहती हूँ। यह स्वादिष्ट नहीं लगता। ये घिनौने हैं। और मुझे यह पास्ता चाहिए। यह स्वादिष्ट है। मुझे यह पास्ता खाना अच्छा लगेगा। वाह, यह पास्ता बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वाह, यह वैसा ही पास्ता है जो मुझे चाहिए। हाँ, यह विनर है। हुर्रे, वाह, मैंने जीत लिया। हमें तैयारी करनी है। मुझे एक ड्रिंक चाहिए, स्वादिष्ट और मीठा। थिंग, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। ओह, ये लगभग गिर गया। वहाँ क्या है? समझ गई। मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाऊंगी। तो क्या हम शुरू करें? ठीक है, तो मैं बहुत सुंदर लेकिन खट्टा कैंडी ले लेती हूँ। वे मेरे आइडियाज को लागू करने में मेरी मदद करेंगे। तो मैं उन्हें सांचों में डालूंगी। एक रंगीन चमत्कार होगा। मैंने उन्हें लिया क्योंकि वे बहुत सुंदर है। वे खत्म हो गए। खैर, कोई बात नहीं, मेचन यहाँ है। मैं उन्हें अवन में रखूंगी। उन्हें थोड़ा गर्म करना जरूरी होगा। हाँ, अब बस हो गया है। और अब मेरी डिश को ठंडा करने का समय है। मैं इसे सांचे से बाहर निकालूंगी। यह कितना सुंदर तैयार हुआ है। ओह हाँ, ये भव्य कप है। मुझे कुछ चमकीले कप मिले। अब मैं M&M लूंगी और निश्चित रूप से उन्हें रंगों के अनुसार छांटूंगी। यह इस तरह से सुंदर होगा। यह कितना स्वादिष्ट है। मैं M&M को ड्रिंक में जोड़ूंगी और फिर इसे स्प्राइट से भर दूंगी। क्या मीठा स्वादिष्ट कॉकटेल है। यह क्रीम के साथ भी स्वादिष्ट होगा। यह बहुत कूल है। स्वादिष्ट सुंदर स्प्रिंकल्स के साथ और बस छोटी स्ट्रॉ। हाँ, यह अद्भुत है। मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत ही हेल्दी सेलरी कॉकटेल बनाऊंगी। मैं पूरा एक ले लेती हूँ। मुझे लगता है मैं यह कर सकती हूँ। ओह चलो, हो जाओ। ओह, ये कितना बेकार ड्रिंक होगा। दिल शायद इसे पसंद नहीं करेगी। तो अब मेरे बच्चे के लिए सबसे हेल्दी कॉकटेल तैयार है। सुंदर और इतने सारे विटामिन। सेलरी का एक टुकड़ा और एक स्ट्रॉ के साथ इसे सजा दिया। ये बहुत अच्छा है ना? नहीं, ठीक, एक ग्लास। मैं एक सही ग्लास लूंगी और निश्चित रूप से इसे स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ डेकोरेट करूंगी। मुझे यहाँ क्या डालना चाहिए? शायद स्प्राइट सही रहेगा। बेशक मैं रंग डालूंगी और इसे सही स्ट्रॉ से मिलाऊंगी। ठीक, मदद। तुमने मुझे फिर से कैसे डरा दिया? इसे यहाँ से हटाओ। थिंग, जल्दी करो। सुपर धन्यवाद थिंग। क्रीम सही होगा। वे ब्रेन की तरह है, लेकिन अच्छे प्रभाव के लिए मैं लाल सिरप डालूंगी और ऊपर एक आंख और एक मकड़ी डालूंगी। यह स्वादिष्ट है, बिल्कुल सही। हर किसी का स्वाद अलग है। मेरा ट्राई करो। कितना सुंदर। मैं इस कॉकटेल को ट्राई करूंगी। यह बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है। और यह वाला, मैं इसे छूंगी भी नहीं। मैं इसे ले लेती हूँ। कितना स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। ग्लास को भी खा सकते हैं। वाह, यह बहुत खट्टा है, लेकिन ड्रिंक बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है यह जीत गया।
मैं एक और ड्रिंक लेती हूँ। हुर्रे, मैं फिर से जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। इस बार क्या है? अब मुझे सलाद चाहिए, इस तरह प्रोटीन्स के साथ। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें समझ गई। मैं लेटस के पत्तों को ले लेती हूँ और उन्हें तोड़ना जरूरी है। ओह, तुम मुझे क्या दे रही हो? धन्यवाद, लेकिन अब ऐसे खतरनाक खेल मत खेलो। मुझे इन हरी पत्तियों की जरूरत है। वे बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट है। यह सलाद कमाल का होगा और यह अद्भुत मीट है। इसे भी टुकड़ों में काटने की जरूरत है, बस सलाद के लिए। अब मैं इसे अच्छी तरह से सजाऊंगी। मैं सीजर सलाद बना रही हूँ, इसलिए मुझे टमाटर की जरूरत होगी। और क्रूटॉन्स के बिना कैसा सलाद? क्रूटॉन्स वे हैं जो हमें इस तरह एक अद्भुत सलाद के लिए चाहिए। एक बढ़िया स्वाद के लिए थोड़ा चीज। अद्भुत, मैं तैयार हूँ। और तुम? और अब मैं अपना सलाद तैयार करूँगी। मैं ऐसे मजेदार सांचों का उपयोग करूँगी। मैं खीरा, मूली और शिमला मिर्च से अलग अलग आकार बनाऊंगी। हाँ, ये बहुत सुंदर है। और मैं उन्हें स्टिक पर लगाऊंगी। इस तरह से मेरे पास सलाद कबाब होगा। बिल्कुल ऐसा। कितना सुंदर। और मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगी कि तुम क्या बना रही हो। कितना मजेदार। अब मैं गुलदस्ता बनाऊंगी। ये अद्भुत स्वादिष्ट सलाद का गुलदस्ता निकला और इससे खुशबू भी आ रही है। सुपर। यह बिल्कुल भी फनी नहीं है। ओह, लाल मिर्च, यह एकदम सही रहेगा। मैं तुम्हें काट लूंगी। मुझे इसका बीज निकालकर उसके जगह सलाद डालने की जरूरत है। मैं खीरे को स्लाइस में काट दूंगी। मुझे चाकू बहुत पसंद है। मैं एक बहुत ही सुंदर फनी चेहरा बनाऊंगी। काटो। शायद खूबसूरती से सलाद मॉन्स्टर को एक प्लेट पर रखना है। मेरे पास सब कुछ तैयार है। इतना खाना? ओह, स्टिक पर ये क्या है? दिलचस्प सलाद। सच कहूँ तो ये बहुत स्वादिष्ट नहीं है। मैं और क्या खा सकती हूँ? और ये किस तरह के चेहरे है? वाह, काली चीज क्या है? हाँ, ये एक, ओह, ये एक ऑलिव है। ये एकदम बेकार है, भयानक स्वाद। ये किस तरह का सलाद है? चीज और चिकन। हाँ, यह हुई ना बात। यहाँ भी जीता है। हाँ, मैं जीत गई। मैं एक महान कुक हूँ। आशा है आपको आज चुनौती पसंद आई होगी। फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।